आइन में डिप्टी वजीर आजम का जिक्र ही नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किस इख्तियार के तहत इसहाक डार को नायब वजीर आजम नामजद किया, किस कानूनी बुनियाद पर नायब वजीर आजम की नामजदगी की गई, नोटिफिकेशन में जिक्र ही नहीं। नायब वजीर आजम के इख्तियार क्या होंगे, अहम सवाल उठने लगे। काबीना डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन में आइन रूल्स या किसी कानून का हवाला नहीं दिया गया। हुकूमती ज़राए का कहना है कि नायब वजीर आजम के इख्तियार इस्तेमाल करने के मजाज नहीं होंगे। नायब वजीर आजम का ओहदा अलामती से ज्यादा कुछ नहीं होगा। आइन में डिप्टी वजीर आजम का कोई जिक्र नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किस इख्तियार के तहत इसहाक डार को नायब वजीर आजम नामजद किया, किस कानूनी बुनियाद पर नायब वजीर आजम की नामजदगी की गई है, नोटिफिकेशन में इस हवाले से कोई जिक्र नहीं किया गया। नायब वजीर आजम के इख्तियार क्या होंगे, अहम सवाल उठने लगे। काबीना डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन में आइन रूल्स या किसी कानून का कोई हवाला नहीं दिया गया। हुकूमती ज़राए का कहना है कि नायब वजीर आजम के इख्तियार इस्तेमाल करने के मजाज नहीं होंगे। नायब वजीर आजम का ओहदा अलामती से ज्यादा कुछ नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।